बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके न्यूज़ टेक पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी की द्वारा एक प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट निकाली गई है उन सभी एलिजिबल कैंडिडेट की जो कि 10th बेस्ड पैरामेडिकल, चाहे हम फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की बात कर लें, चाहे हम मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की बात कर लें, जो भी एडमिशन लेना चाहते थे सेशन 2021 के लिए। आप जानते हैं कि उनकी जो फिज़िकल वेरिफिकेशन थी डॉक्यूमेंट की, वो 12 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और 17 जुलाई तक वो सारी वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुकी थी। उस फिजिकल वेरिफिकेशन और मेरिट के बेसिस पे जहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट बनाई गई है कैंडिडेट्स की, कि आप उन कैंडिडेट्स को जो कॉलेज हैं वो अलॉट किए गए हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि आपने कब और कहाँ रिपोर्ट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो इस वीडियो में हम ये पूरी कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो नंबर वन, जहाँ पे आप देख सकते हैं दी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोपी, यानी कि जेके बोपी। तो जहाँ पे आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू 10th बेस्ड पैरामेडिकल फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, चाहे हम मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की बात कर रहे हैं, कोर्सेज जो कि 2021 के हैं। फिजिकल काउंसलिंग हो चुकी है इनकी, आप जहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो कि डेटेड 17th of July 2021 को जहाँ पे निकाला गया था, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पर्सुएंट टू द नोटिफिकेशन नंबर जहाँ पे जो बोपी के द्वारा निकाला गया था, डेटेड 5th of July 2021 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनमें से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उनकी एक फिजिकल काउंसलिंग के राउंड चले थे। 12 जुलाई से जो फिजिकल जो काउंसलिंग का प्रोसेस था वो 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में बोपी के ऑफिस में कंडक्ट किया गया, चाहे हम श्रीनगर की बात करें चाहे जम्मू की बात करें, सिमल्टेनियसली दोनों जगह सेम टाइम पे चला। दी कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन दी सेड काउंसलिंग हैव टू बी अलॉटेड सीट एज पर देयर मेरिट कम प्रेफरेंस आर हेयर बाय प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू 10th बेस्ड पैरामेडिकल, जहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्सेज 2021 इन वेरियस कॉलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर अनक्षर ए। अनक्षर ए में उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल दी गई है, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है सारी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। आगे जहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो प्रोविजनली इस लिस्ट में आए हैं, आपको रिपोर्ट करनी होगी अपने कंसर्न कॉलेज में, जो कि आप 19 जुलाई से कर सकते थे और आपको 30 जुलाई तक आप इस टाइम के बीच में, इस इंटरवल के बीच में आप कभी भी जाके अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप देख लीजिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके अपने कॉलेज में रिपोर्ट करनी है। नंबर वन, आपने अपना 10th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। नंबर टू, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, तो इसमें आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th का डिप्लोमा भी लेके जा सकते हैं, इवन कि आपकी जो मार्कशीट है वो भी काम कर जाएगी। उसके बाद आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस किया था तो वो भी आपने साथ में रखना है। इसके साथ नंबर 5, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 कहा गया है एनी अदर सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज अथॉरिटी, अगर कॉलेज अथॉरिटी कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो भी आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 30th of July 2021 तक आपको ये सारा प्रोसेस कर लेना है। तो जहाँ पे जो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, इवन कि आपके जो कॉलेजेस होंगे जो भी आपको अलॉट किए गए हैं सभी के सभी कॉलेजेस को जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप जहाँ पे देख सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट, जो कि 30 जुलाई प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट रखी गई है कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। सभी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट को ये सब इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने अपने जो एडमिशन काउंटर हैं वो ओपन रखने हैं इवन हॉलीडे, चाहे हॉलीडे है चाहे ऑफ डे चल रहे हैं, तभी भी आप कॉलेजेस को जो अपने एडमिशन काउंटर हैं वो ओपन रखने हैं ताकि वो कैंडिडेट को फैसिलिटेट कर सकें, आपकी एडमिशन का प्रोसेस विदाउट किसी रुकावट के चल सके। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपने बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, चाहे उस दिन कोई गजटेड हॉलीडे आ रही है, आप तभी भी अपने कॉलेज में अप्रोच कर सकते हैं और अपने एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में जो सारी चीज़ें मैंशन की गई हैं। उसके बाद जहाँ पर बताया गया कि जो कैंडिडेट हैं वो जितने भी हैं वो प्योरली प्रोविजनली अभी उनकी जो सिलेक्शन है वो एक प्रोविजनल लिस्ट के तौर पे है। अगर किसी भी एंड पे ऐसा पाया गया कि आपने कहीं पे फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट जो कि आपने गलत प्रोड्यूस किए हैं उसके बेसिस पे अगर आपकी एडमिशन हो गई है तो आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। तो उसके बाद हम जहाँ पे सिंपल इसके बाद एनेक्शर ए की बात करेंगे, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्शर ए आपके सामने जहाँ पे आ गया है
दी नोटिफिकेशन नंबर 071 बोपी ऑफ 2021 डेटेड जो कि 17th जुलाई 2021 को निकाला गया, जहां पे नंबर वन आपका सीरियल रहेगा, फिर आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपका नेम रहेगा, आपका जेंडर रहेगा, कैटेगरी रहेगी, रैंक आपका कौन सा आया है, उसके बाद जहां पे आप देख सकते हैं कौन से डिसिप्लिन में आपका सिलेक्शन हुई है, आपका कॉलेज कौन सा है, इस तरीके से आप जहाँ पे आपने पूरी डिटेल देख सकते हैं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे जहाँ पे 700 समथिंग जो स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनकी जहाँ पे सिलेक्शन हुई है और उनकी अगेंस्ट वहाँ पे सामने बताया गया कि उन्होंने कौन से कॉलेज में जाके रिपोर्ट करनी है। जैसे जैसे आप जहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, इवन कि आप अपना जहाँ पे नेम सर्च कर सकते हैं, आप सर्च में अपना आप एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना नेम डालिए, तो आपका जहाँ पे नेम आ सकता है। तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो इस लिस्ट के जो लास्ट के पेजेस आप जहाँ पे देख सकते हैं 773 जो कैंडिडेट हैं वो जहाँ पे उनको जहाँ पे एडमिशन दी गई है और कॉलेजेस भी आपके अगेंस्ट जहाँ पे बताए गए हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारा प्रोसेस विद इन टाइम यानी कि 30th जुलाई 2021 से पहले पहले कर लेना है। अगर आपको अभी भी इस लिस्ट के रिगार्डिंग कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं डेफिनेटली आपकी इस ग्रुप हेल्प करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके जिन्होंने भी इसके लिए एडमिशन लेनी है और वो शॉर्ट लिस्टेड भी किए गए हैं, सो दैट कि उनको भी हेल्प हो जाए। इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट।